नन्नू किंसू के लिए आया गिफ्ट। कैसे खुलता है? किड्स अच्छा पका के छोटे में हमने किंडर जो रखा है किड्स को है ये किड्स चोको उठ जाओ भाई नन्नू तुम्हारा वाला कौन सा है किड्स जो दिखाओ ये इनके चाचा कलकत्ता से आए हैं पिंटू चाचा के दोस्त तुम्हारे चाचा तुम जा देखने तो क्या है ये किड्स चोको सॉरी किड्स चोको है ये हाँ देखो दो किड्स चोको किंडर जो नहीं है किड्स चोको है इसके अंदर क्या निकलेगा नहीं खुल रहा दादी से क्या है इसके अंदर अरे डायनासोर दिखाओ पिंसू डायनासोर निकला और ये क्या है हमने छोटे भी बहुत खाया ये छोटी चम्मच भी है छोटा सा स्पून किंडर जो की जगह अब किड्स चोको आने लगा साइकिल निकली तुम्हारे लिए तू साइकिल करता था तेरी साइकिल आ गई ले साइकिल चम्मच भी है कितनी अच्छी चम्मच आ गई है लग रहा है तीन कलर खाने से मतलब नहीं खेलने से मतलब चाचा लेके आए हैं एक बर्गर खाना और एक चाचा छोटी सी दे दो ये वाली चॉकलेट कैरेमल कैरेमल वाली चॉकलेट खानी है तुम यही खाओ लो मैं खोलती हूँ साइकिल चाहिए गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो सभी आई जस्ट होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे सो मैं नहा धो के रेडी वेडी हो गई हूँ मैंने पहना है वाइट कलर का सूट मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सूट मैंने मीशो से मंगाया था बहुत ही कम प्राइस में आई थिंक ये था मेरे ख्याल से आई गेस 450 या 500 के अंडर ही था ये बड़ा अच्छा सूट है दुपट्टा नहीं था इसके साथ में तो पैंट है इसके साथ ये है यहाँ पर नॉक है ये जो फैशन टाइप के होते हैं वो तो अभी मैं देखो खाना खा रही हूँ आधा खाना मैं फिनिश कर चुकी हूँ विद सैलेड और ये मेरा बच्चा मुझे पीछे छुपा हुआ है कल से पिंसू का स्कूल हाँ कल से पिंसू का मैं तो बताना भूल गई इसने याद दिलाया कल से पिंसू स्कूल जाएगा क्योंकि प्ले में उसका एडमिशन किया है हमने तो उसको अभी थोड़ा सा बैठना सीखेगा थोड़ा सा होता है ना बच्चे दिखते हैं तो बच्चा थोड़ा सा ध्यान देता है बोलना सीखता है बोलता तो वो बहुत है बट स्टडी के मामले में थोड़ा सा वो मुझे इससे कम लग रहा है और देखो क्या होता है कल उसको स्कूल लेके जाना है एक डेढ़ घंटे के लिए वो स्कूल जाएगा और एक बोतल एक छोटा सा टिफिन एक नोटबुक पेंसिल रबर छोटा सा बैग ऐसा कुछ लेके जाना है मैम से कंफर्म करना पड़ेगा मुझे तो उसके साथ मैं जाऊँगी कल उसके बाद तो फिर मम्मी जाएगी एक डेढ़ घंटा हमें वहाँ बैठना पड़ेगा बिकॉज जल्दी आ जाएगा वो सिर्फ एक डेढ़ घंटे के लिए जा रहा है सिर्फ बच्चा ये थोड़ा सा स्कूल में बैठना सीखे थोड़ा सा बोलना सीखेगा कि हाँ क्या होता है क्या होता है किस कैसे क्या चीज़ होती है वो सारा ही प्रिंसिपल ने बोला कि इसको भेजना है तो थोड़ा सा ये डेवलप होगा वो तो चलिए अभी मैं खाना वाना खाती हूँ उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में ठीक है सो यहाँ मैं रेडी हूँ और मुझे जाना है आज घर का सामान लेने के लिए ग्रोसरी का सामान लेने के लिए खूब सामान लेके आना है कैसे आना है और जिस जगह जा रही हूँ वहाँ तो रिक्शा में सामान आएगा तो देखते हैं कैसे लाना है पर्स निकालते हैं और चलते हैं लेट्स गो गाइस हम जा रहे हैं अभी घर का ग्रोसरी का सामान लेने देखो कैसे लग रही हूँ मैं ब्लैक में सॉरी वाइट में ब्लैक अब सही है चल 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 चावल आगे मिलेंगे है ना सारे रेट है तो सारा ग्रोसरी का सामान हमने ले लिया है और मेरे पति देव मेरे को रास्ते में ही मिल गए थे हमको तो वो आगे सीट पे बैठे थे ई रिक्शा में हम सामान लेके आए सामान हाथ दर्द हो गया था पता है वहाँ से वहाँ यहाँ तक रखने में बस उसी में ही फिर ये सारा रखा आंटी भी बैठी थी एक तो हमने एक स्पेशल रिक्शा किया घर तक जाने के लिए मैं
हम लेकर आए हैं फ्राइज, मोमोज, सॉस, चटनी नहीं खाई, चटनी खाओ 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 लो। खाओ तुम भी, पानी पीने नहीं लग रहा है, वो भी नई बोतल में। पिंसु दे, तुम भी खाओ, लगा भी खाओ। अरे यार मैं खिलाती, देखो नन्नू मजे करे खा रहा है, नन्नू एंजॉय करता है खाना। हम्म, कुछ बोलना, कुछ बोलोगे आप, ना कुछ बोलोगे, ना बोल रहे हो कुछ, बोलो बोलो, मजा आ रहा है खाने में तो। हम्म, तुम्हें पता है पिंसू क्या डाला है? तुम बताओ क्या डाला है? कल स्कूल जाओगे ना? पिंसू कल स्कूल जाओगे? कल स्कूल जाओगे ना? हाँ हाँ, कल जाओगे स्कूल? किसने बोला है गट्टू किसने? मजा आएगा स्कूल जाने में? यहाँ मैं कर रही हूँ पिंसू की स्कूल की तैयारी, कल पिंसू जाएगा स्कूल। और यहाँ नन्नू का देखो, यहाँ नन्नू की बुक्स रख रहे हैं, नन्नू 5 तारीख से स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये नन्नू की बुक्स रख दी है, ये 5 तारीख को स्कूल जाएगा, जब इसका टाइम टेबल मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, मैं इसका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने इसकी बुक्स वुक्स रखूँगी, नोटबुक बुक्स वगैरह रखनी है। यहाँ मैंने अभी स्टेशनरी रखी है, अभी पूरा फैला हुआ है, अभी अच्छे से रखा है, ठीक ठाक करूँगी बाद में। अभी फ़िलहाल नन्नू पिंसू देखो कहाँ बैठा है, पिंसू को दिखा कर, पिंसू का बैग बनाना है। और यहाँ ये जो इसकी नन्नू की पुरानी वाली बुक है, ये इसको अलग कर रही हूँ, ये सब निकाल के इसके अंदर डाल दूँगी। आएगा कल पिंसू स्कूल, उसकी तैयारी कर रहे हैं, इसका छोटा सा बैग निकाला भी, वो बाहर लेके गया है। अरे मच्छर, मच्छर है, मच्छर। तो नन्नू बैग दिखाता हूँ आपको पिंसू का बैग, ये मेरा बैग है, पिंसू का बैग है ये। अरे मम्मी ने निकाला था, ये पिंसू है, लेटा ही नहीं, चलो अब इसको समेट देते हैं और सब बैग रेडी करते हैं, ठीक है? चलो बंद कर दो, बाय बाय। तुम इतनी देर से, नन्नू सो गया, 11 बजे का टाइम लगता है, सुबह स्कूल जाना है, वो सो गया लग रहा है, मैं अपना दूध ले लेती हूँ। ये हमारा दूध, ये सो गया है, यहाँ अंधेरा हो गया है, सो गए ना, सो रहे हो ना, क्या था वो दिख रहा है तुम्हारा अंधेरे में, दूध पीते हैं। और ये छोटे से ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आज हमारा ग्रोसरी का सामान का घर का छोटा मोटा कर, कल मेरी मम्मी आएगी दादी होने के बाद, तो कुछ अभी बताती हूँ। हाँ ये भाई साहब मुझे कोई बात नहीं करने दे, तो कल मेरी मम्मी आएगी और ऐसे ही आएगी, 12:00 तो बज ही जाएंगे, तो पहले कल मुझे जाना है पिंसू को स्कूल लेके, उसके बाद फिर 12:00 तक, 1 बजे तक शायद मम्मी आ जाएगी, 1-2 बजे तो बजा ही देती है, और क्योंकि दादी एक्सपायर होती है, उसके बाद फिर जो होली का हमारा सीधा होता है तो वो पहला त्यौहार तो छोड़ना होता है। तो अब जैसे चाची ने बोला था मम्मी को कि मेरे जो त्यौहार होते हैं, जो मेरे सीधे कोरी होते हैं, हमारे यहाँ पर जो रिचुअल्स होते हैं, उसको खोलने का कुछ होता है, कि वो खोलने के लिए मम्मी कल आएगी ताकि वो सीधे कोरी मेरे कंटिन्यू फिर अब चलते रहें, तो कुछ ऐसा होता है वो मैं आपको कल ही बताऊँगी, मम्मी ही बताएगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है क्या होता है। तो कल मम्मी आ रही है, नानी आ रही है इनकी, ये खुश हैं, तो पहले स्कूल जाऊँगी, उसको 1-1.5 घंटे में इसकी छुट्टी हो जाएगी, तब तक फिर मम्मी आ जाएगी, मम्मी के साथ इंजॉय करेंगे, देखते हैं मम्मी क्या लेके आती है कल मेरे लिए, अब तो इनके लिए आता है, मेरे लिए नहीं आता ज़्यादा कुछ। तो आज इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर, बहुत ही मिनी सा व्लॉग था ये और शॉर्ट व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, अपने सजेशन दें कि आपको आगे आने वाले कौन से व्लॉग देखने हैं, और शेयर करें, खूब सारा प्यार दें, खूब सारा सपोर्ट करें, मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, आ जाओ आ जाओ, ठीक है कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में, बाय बाय, ठीक है, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट।